हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जिनका भी SBI क्लर्क है, आई एम श्योर वो बहुत अच्छे से अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पूरा अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो जैसे कि आपने टाइटल से पहचान लिया होगा कि ये वीडियो उनके लिए है जिनको थोड़ा सा स्पीड को लेके डर लग रहा है और कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा पेपर के लिए। कई बार क्या होता है ना, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं, हम लोगों ने प्रैक्टिस भी करी होती है, बट स्टिल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी स्पीड ये आ जाए, वो नहीं आ पाती मॉक्स में, और फिर हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, हमें डर लगने लगता है। और तो फिर हम इन 5 to 6 days में ऐसा क्या करें कि ऑलरेडी हमने इतना पढ़ रखा है, स्टिल स्पीड नहीं आई? तो सिर्फ 5-6 दिन ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी स्पीड आ जाएगी? ऐसा नहीं है कि कोई जादू हो जाएगा, बट ये है कि अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई एम श्योर, या जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ आप वो करेंगे, आई एम श्योर आप देखिएगा, आपको 4 to 5 day में ही वो इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। लेकिन आपको डेली, क्योंकि अब टाइम लिमिटेड है और उतने जितना मैं आपको बोल रही हूँ आपको उतना तो करना ही करना है, उससे ज्यादा अगर आप टाइम दे सकते हैं तो बेटर है। इसके अलावा एक कैटेगरी और होगी जिनकी क्या हो रहा होगा, कुछ जैसे आपने एक मॉक दिया, आपके अच्छे स्पीड आ रही होगी, अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, दूसरा मॉक दिया उसमें थोड़ी कम स्पीड या कम मार्क्स आ रहे होंगे, ऐसी अगेन सेम डे आप कुछ एक दो मॉक्स में अच्छे आए एंड देन कम आए, तो क्या होता है हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि व्हाट इफ अगर हमारा पेपर में भी ऐसे ही रहा। सबसे पहली चीज, हर बार मॉक्स का लेवल सेम नहीं होता, हो सकता है जो मॉक्स में आपके कम आ रहे हैं उसका पेपर का लेवल डिफिकल्ट हो। तो पहले तो आप ये देखिए कि ऐसा तो नहीं है इजी पेपर था तब कम आ रहे हैं और पहले भी सेम लेवल के पेपर थे तब ऐसा हुआ है, तो डिफरेंट बात है कि फिर आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है। बट अगर मॉक्स का लेवल है तो इट्स ओके। अगर आपका 75 to 80% ऑफ द टाइम अच्छी स्पीड आ रही है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं एंड 20% ऑफ द टाइम कम आ रहे हैं, तो इट्स ओके, मतलब कि आप ठीक कर रहे हैं, ऐसी कोई डरने की बात नहीं। बस आप अपनी प्रैक्टिस रखिए और जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं उतना आप रिवाइज करिए। उसके अलावा आप सीधे आते हैं वीडियो पे कि आपको 5 to 6 days क्या करना है। आपको 2 घंटे, मिनिमम 2 घंटे, और जिनको और भी ज्यादा स्पीड चाहिए या जिनको लगता है बहुत ज्यादा ही कम है स्पीड, तो वो उसको इस टाइम को और बढ़ा लीजिए अपने हिसाब से, 2.5 घंटे, 3 घंटे, पर मिनिमम 2 घंटे जिनको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है। आपको क्विज देनी है, वो भी लगातार, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट की जो आप क्विज दे रहे हैं वो तो आपको लगातार देनी है, देन आप नेक्स्ट सब्जेक्ट में स्विच कर रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा टाइम गैप ले लीजिए, उसके बाद दोबारा दीजिए, फिर आप जो नेक्स्ट सब्जेक्ट में स्विच कर रहे हैं फिर टाइम गैप ले लीजिए। मतलब अगर आप एक सब्जेक्ट की करें तो वो लगातार करनी है। अब आप ऐसा कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आप 1 घंटा दे सकते हैं। सपोज क्वांट आपका वीक है, आपको लग रहा है क्वांट की वजह से आपकी स्पीड नहीं आ रही है, इतना तो अब तक आपको आइडिया लग गया होगा, तो आप कौन सेक्शन को 1 घंटा दीजिए क्विज को लगातार, जैसे सिंप्लीफिकेशन कर लिया, फिर DI कर लिया, उसके बाद अलग कर लिया, आई थिंक 15 to 20 मिनट्स की पर क्विज होगी, तो आप कम से कम चार पांच क्विज तो आप लगा ही लेंगे, तो आप वो लगा लेना अगर 15 मिनट्स की है तो। और उसके अलावा ये आपको डेली करना है, देन आप गैप लीजिए, आपको रीजनिंग कर लीजिए 45 मिनट्स, और फिर जो भी आपको बचा टाइम है उसमें आप इंग्लिश कर लीजिए, या फिर जो आपको इंग्लिश में ज्यादा टाइम देना है तो इंग्लिश कर लीजिए और फिर रीजनिंग को दीजिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वांट और रीजनिंग ऐसे सेक्शन है जहां पे हम स्पीड की वजह से डर लगता है, तो थोड़ा ज्यादा टाइम आप इसको दे देना अगर मेरे हिसाब से, लेकिन अगर आपके इंग्लिश भी आपको लगता है तो आप उसको भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना शेड्यूल करना है। उसके अलावा अगर आपको जो भी बहुत ज्यादा कम है और ज्यादा टाइम देना है तो अकॉर्डिंगली 1-1.5 घंटा आप एक सब्जेक्ट को और उसके अलावा वो कर दीजिए, वो आपको अपने हिसाब से देखना है, क्योंकि सबकी जो भी हमारी चीज है, हमारी स्पीड है, हमारी सच्चाई ना हमें पता होती है कितनी हमने प्रैक्टिस कर रखी है, कितना हमारा कहाँ हम लैग कर रहे हैं, तो ये आपको कोई नहीं बता सकता। मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हाँ आपका ये चीज इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने पेपर दिए थे, मैंने पेपर दिए थे, हमारे साथ भी सेम चीज होती थी, और बिलीव मी आपने कितनी प्रैक्टिस करी हो ना, आप पेपर से पहले ना ये चीज करके देखना, इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है, इतना ज्यादा, क्योंकि ना हमारा माइंड एकदम ट्रेन हो जाता है उसको वैसे करने से। आप जब लगातार क्वांट करेंगे ना लगातार, तो आपको क्या होगा, एक तो आपकी बैठने की आदत बन रही है, दूसरा आपका माइंड ना ट्रेन हो रहा है फटाफट सोचने के लिए। आपने एक दिया, फिर आप दूसरी दे रहे ना, आपका माइंड एक बार ट्रेन हो चुका है वो एक क्विज देने के बाद, तो आप देखना आपका दूसरी क्विज में ना थोड़ा माइंड और चलेगा कि अच्छा ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, तो
तो इस तरीके से ना आपका जो माइंड है वो एकदम ट्रेन हो जाएगा कि आपको आपने क्वेश्चन देखा और माइंड में जो आपने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट कैसे करना है। शुरू में थोड़ा हो सकता है आपको टाइम लगे, बट देन आप देखना थर्ड या फोर्थ डे में ही आपको कितना इम्प्रूवमेंट दिखेगा अगर आप रिलीजियसली ये फॉलो करते हैं लगातार 2 घंटा, और जिनको थोड़ा और टाइम चाहिए वो 3 घंटा, बट मिनिमम जिनको स्पीड बढ़ानी है वो तो मैं 2 घंटा बोलूंगी, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है इस समय, इसलिए, वरना आप इसको थोड़ा कम भी करते तो चलता। बाकी इसके अलावा अगर एक मॉक तो आप दीजिए ही दीजिए, अगर 2 मॉक्स दे सकते हैं तो अच्छा है, नहीं भी दे सकते तो कोई बात नहीं, क्यूज दीजिए, एक मॉक दीजिए और अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए। बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर बर्डन भी नहीं करना है चीजों से कि पेपर है तो ओवर बर्डन कर लिया, ये कर लिया, ऐसा भी नहीं करना, माइंड को रिलैक्स भी रखना है। बस काम माइंड से प्रैक्टिस करनी है, काम माइंड से पेपर देने जाना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं प्रैक्टिस करिए, और आप जो मैंने आपसे अभी इस वीडियो में बोला अगर आप वो करके जा रहे हैं रिलैक्स होकर पेपर देके जा रही है, आपने इनफ कर रखा है, बाकी वो पेपर डिसाइड करेगा, वहां पे जो होना है वो होगा, आपने अपनी तरफ से कर लिया, अब बाकी वहां जो होना है वो होके रहेगा, वहां पे आपका माइंड जैसे चलना है वो चल के रहेगा। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए बार बार सोच के कोई फायदा नहीं है। आई नो होता है, मुझे भी होता था, बट स्टिल अपने आप को समझाना पड़ता है, हर बार समझाना पड़ेगा, एक बार नहीं, बार बार समझाने के बाद ही समझ आएगा। जिससे भी अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जिससे भी आप कंफर्टेबल है उनसे जाके थोड़ी देर बात करिए, अपना बताइए, अगर आपके पेरेंट्स हैं उनको बताइए आपको कैसे डर लग रहा है, ये लग रहा है, आई एम श्योर वो आपको समझाएंगे, या कोई भी आपका फ्रेंड है, कोई ना कोई एक लाइफ में आपका ऐसा पर्सन होगा जिसे आप बोल सकते हैं और वो आपको समझाएंगे तो आपको अच्छा फील होगा। तो बाकी आप ये करिए और अपने माइंड को काम रखिए, जिनका भी एग्जाम है ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना, काम माइंड से देना, आई नो कितना इम्पोर्टेंट होता है पेपर, और सिर्फ 1 घंटा क्या क्या नहीं डिसाइड कर सकता, तो आई एम श्योर आप लोग अच्छे से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।